कि आप द्वारा से दिखाइए कि चम्हार समाज पूरे देश के बहुजन समाज को लीड कर सकता है। दिल्ली वाले ये जानते हैं 1980 से लेकर 1995 तक दसों हजारों लोगों को आपने यहाँ पे रैली में भी भेजा, यहाँ उनका खाना किया, रात को ठहराया, आप ही लोग थे वो। अब द्वारा से टाइम आ गया है, ये द्वारा से टाइम आ गया है कि आपको जो रविदास जी ने ये मौका दिया है, द्वारा से उठ के खड़े हो जाइए। और बहुजन समाज जो काशीराम जी के साथ हम लोगों ने सीखा कैसे बनाया और मनुवाद की जड़ें हिला दी, और आज वो मनुवाद इतना डरा हुआ है कि सबसे बहुजन समाज की सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे ज़्यादा समझदार जो कौम है उसको वो हिलाना चाहता है चम्हार समाज के लोगों। काशीराम जी ने हमारे को जितने महापुरुष हुए हैं इनके बारे में बताया। मैं धोबी समाज से हूँ लेकिन 78 से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और पूरे इंडिया में 20 से ज़्यादा स्टेट्स में मैंने इस आंदोलन को का इन्फॉर्मेशन फैलाई है कि अपनी अपनी जगह पर आंदोलन करो टुकड़ाबाद रविदास धाम के लिए। तो साथियों अब दिल्ली की बारी है, अगर दिल्ली में ही हम लाखों आदमी इकट्ठे कर दें तो इनकी हिम्मत नहीं है कभी भी वो हमारी तरफ उंगली उठा के देख सकें। हैं काशीराम जी कहा करते थे कि इन लोगों को ये मनुवादियों को याद रखना चाहिए कि अगर हमारे से बहुजन समाज से पंगा लिया तो हमारे 15 जाएंगे, तुम्हारा 20 नाश हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को हमें लीड देना होगा। दिल्ली के समाज, दिल्ली में लाखों लोग हैं बहुजन समाज के, अगर यहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा शुरू होना हो गए तो ये पूरे इंडिया में हमारे से अन्याय नहीं कर सकते। तो इसलिए आप दिल्ली वालों से अपील है कि वो तन मन धन और सिर के ऊपर हमने कमन बांध के चलना है, ये नहीं कि हम अपने ऊपर डालना है, दुश्मन पे भी हम डाल सकते हैं है, लेकिन हमने जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों का जो मार्ग दिखाया हुआ है उस पे उसको हमने द्वारा से जागृत करना है हर छोटी छोटी जातियों के अंदर। रविदास जी से क्यों डरे हुए हैं? रविदास जी से इसलिए डरे हैं, इन्होंने डायरेक्टली सीधा सीधा हथौड़ा चलाया है, सीधा सीधा हथौड़ा चलाया अंधविश्वास के ऊपर। अंधविश्वास मनुवाद का मेन हथियार है, अंधविश्वासी बनाकर हमारे बच्चों से लिंचिंग कराते हैं, ये अंधविश्वासी बना के हमारे बच्चों से बाबरी मस्जिद गिरवाते हैं, लिंचिंग लव जिहाद का हमारे बच्चों को ही वो अंधविश्वासी बनाते हैं। हम जब रविदास जी की बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को से हम उनको जागृत करते हैं तो इनके दर्द होता है। तो साथियों एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है, दूसरी संत समाज की अगुवाई में ये संगठन बढ़ रहा है। संत तो जो भी संदेश, जो भी डायरेक्शन, जो भी आंदोलन होगा, संत गुरु बागमारे जी, सुखदेव बागमारे जी का जो संदेश उस टाइप से चलना है, नहीं तो जैसे भाटी जी ने भी बताया था कि बहुत से घुसपैठी आते हैं और ये मनुवादियों का हथियार है, वो घुसपैठ करके आंदोलन को कमजोर करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।